प्रोडक्ट मार्केटिंग में पॉइंट यही होता है कि आपको गोल सेट करना, गोल सेट, जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको ज्यादा बड़ा गोल नहीं है, बी टारगेट 500 बीयूटी से स्टार्ट करना, 100 से स्टार्ट करके 500, धीरे धीरे एक एक स्टेडियम को चढ़ते जाना है और डेली अपने दिमाग को पढ़ाना। ये छोटा सा मैंने एक पीवीसी मेटर से टारगेट लिया है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिसमें पीवीसी मेटर नहीं आएगा। मैंने ऐसी फैक्ट्री लगा दी, भगवान ने मेरे को ऐसी फैक्ट्री दे दी कि मैं यहाँ से डेली पीवीसी मेटर जनरेट कर सकता हूँ। खरीदे नहीं, 50 बीयूटी से वॉलेट बनाए, लेकिन मैंने काम करके यहाँ से डेली पीवीसी मेटा बना सकते हैं। दोस्तों एक भी पीवीसी मेटा आप डेली बनाते हो तो महीने के 30 होते हैं दोस्तों, है ना। आज हमारे 50 बीयूटी में तो 6 और प्लस 3 9 ही मिल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ काफी पीवीसी मेटा की एवरेज बताता हूँ तो 30 पीवीसी मेटा हर महीने इनके। और ये एक ये तो आज का एवरेज है, लेकिन जब आप काम करोगे, आप टीम बनाओगे तो दोस्तों आपके पीवीसी मेटा की संख्या 2 आपको जिसका कोई खर्चा नहीं, कोई लागत नहीं दोस्तों, है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि अपना गोल सेट करें, डेली टारगेट ले। आपकी सबकी बहुत बड़ी टीम है, आप जाइए अपनी टीम से जिन्होंने सीड फंडिंग नहीं करी उनको सीड फंडिंग कराइए और अपने टारगेट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और उनकी अप्लायंस हो रही है तो आप उनको जगाइए, उनको संभालिए, उनको समझाइए और उनको अपने टारगेट लगाइए। कोई बुराई नहीं है टारगेट लगाने में, क्योंकि अब तक जब उन्होंने नहीं की तो आपका दोस्त नहीं है, आप तो उसको आगे बढ़ा रहे हो, ऐसी फैक्ट्री का मालिक बना रहे हो जो जहां से डेली पैसे जनरेट होते हैं। तो थैंक यू विषम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इस मंच आमंत्रित किया। पुनः मैं सभी गुरु को प्रणाम करते हुए नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ, सभी मेरे साथियों प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू, जय श्री राम, जय पलवाई। दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लीडर्स रियली सारे लीडर्स सभी यहाँ पे जो भी अचीव कर रहे हैं वो अपने अपना कलेजा निकाल करके आपके सामने रख देना चाहते हैं, आपको वो सारी टीचिंग्स देना चाहते हैं जो उनके पास है, वो सारी कैलकुलेशंस देना चाहते हैं जो उनके पास है, वो सब चाहते हैं जो उनको आ रहा है। तो जितने भी लोग मीटिंग में हैं और इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से इस लाइन में आ जाएं, इस प्रक्रिया में आ जाएं कि आप भी शेयरिंग दे सकें, आप भी वो पीवीसी मेटा जनरेट कर सकें। देखिए सीड फंडिंग में तो हम लोग उतने ही पीवीसी मेटा टोकन बना सकते हैं जितने हमारे पास है, लेकिन टोकन फार्मिंग एक ऐसी ऐसा कॉन्सेप्ट निकाल दिया है डॉक्टर डैनियल जॉनसन जी ने कि यहाँ पर आप मतलब कितने भी चाहे पीवीसी मेटा क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, इंक्रीज करा सकते हो। सुपर्ब सर, सभी लीडर्स रियली आपको बताना चाहते हैं कि आप कितना ग्रो कर सकते हैं इनके अंदर। तो मैं इसी कड़ी में नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा हमारी लेडी सिंगम संतरा मैम को, प्लीज आए और वो भी शेयरिंग रखें। वेलकम वेलकम संतरा मैम, वेलकम, यू आर होस्ट, वेलकम वेलकम ग्रेट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू बिशम सर, सुभाष सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने बड़े महान मंच पे हमें दो शब्द अपने रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और सलूट करते हैं MGRD मंच को, इंटरनेशनल महान मंच को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और इसके 6 के 6 फाउंडर्स को भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मंच पे आसीन सभी भविष्य की करोड़पति अरबपति खरबपतियों को दिल से नमन प्रणाम करते हैं। संतरा बात कर रही हूँ सर, रेवाड़ी हरियाणा से, और आज के बात करें तो बहुत ही शानदार आज का MGRD मंच पे सेशन रहा, बहुत शानदार। पृथ्वी सिंह सर और उन्होंने भी बहुत अच्छी अपनी डेडिकेशन के साथ अपनी बातों का
आज टीचिंग से क्या निकल कर आया, और सुभाष सर ने नहीं है तो कोई रोल भी नहीं है, गोल तो हमें बनाना ही पड़ता है। काम ऐसा बनाए हैं अपने लाइफ आगे मेरा जो जहां तक मानना है। मैम संतरा मैम प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क में बात करें। ओके सर, ओके ओके। अभी अभी सर आवाज क्लियर है? शानदार शानदार, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं बात कर रही थी मातृशक्ति के लिए कि मातृशक्ति में वो पावर है जो हर काम को मैनेज करती है, और वो मैनेज भी तभी कर पाती है जब वो अपना एक गोल सेट करती है। यानी कि अगर मुझे सुबह का खाना बनाना है, सुबह के खाने में क्या बनाना है, तो वो मैं रात को डिसाइड करके सोती हूँ। ये शक्ति मातृशक्ति में बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं सभी मातृशक्ति से भी यही संदेश देना चाहूंगी कि हमें वो जो शक्ति है उसको हमें बाहर निकालने की जरूरत है इस प्लेटफॉर्म पे। और परलवाइन सिस्टम बहुत ही शानदार सिस्टम है, और सबसे शानदार हमारा जो संगत है, आज हम जिस मंच के साथ हैं, जिन ग्रेट दिग्गज लीडरों के साथ हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारी संगत ही तय करती है कि हम आगे कहाँ तक जाएंगे, यानी कि हम कितना सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कितना अपनी अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं, कितना हम इस तरीके के मंच को, और बाकी मंचों का तो मुझे नहीं पता। मैं फर्स्ट डे से एमजीआरडी मंच के लीडरों को और एमजीआरडी मंच को फॉलो करती हूँ, इसलिए आज परलवाइन में भी एक अच्छे लेवल पे हैं, अच्छी लाइफ लाइन के साथ हैं। और पीवीसी मेटा ने तो हमारी लाइफ में, हम सब लोगों के लाइफ में एक चार चांद लगा दिया। यहाँ हमें डिसाइड करना है कि मैं पर डे क्या कमाना चाहता हूँ, और कितना कमाना चाहता हूँ, और कैसे बनाना चाहता हूँ। और उन सब की जानकारी के लिए हमारा एमजीआरडी मंच का जो जो सेकेच है, फाउंडर हैं, सभी ग्रेट लीडर हैं यहाँ पे, बहुत सारे फाउंडर्स के अलावा भी बहुत सारे लीडर हैं। मैं सबका वन टू वन नाम नहीं लूंगी, समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं हर एक लीडर को फॉलो करती हूँ, उनसे सीखती हूँ, और उन्हीं चीजों को अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद अपनी टीम में अप्लाई कराती हूँ। और इसी वजह से आज हमारे साथ भी बहुत अच्छी अपलाइन है। और अभी जो सर भी बात कर रहे थे, अशोक सर भी, कि पर डे मुझे एक पीवीसी मेटा आना चाहिए, ये आग मेरे अंदर लगनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं साथियों, ये मेरे लिए है। और आज मैंने यही सीखा है, यही नोट किया है कि हमारा दो दिन में एक पीवीसी मेटा आ रहा है, लेकिन आज से यही अलग से रहेगा कि पर डे एक पीवीसी मेटा किस प्रकार से बनाए, उसके लिए मुझे मेरी टीम में कौन से लेवल पे जाके काम करना है, किन किन लीडरों की हेल्प करनी है, और उनको आगे बढ़ाना है, मेरा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा साथियों। मैं तो यही कहती हूँ कि सफलता और बहाने एक साथ नहीं मिलेंगे, नहीं चलेंगे। अगर हमें सफल होना है तो अपने बहानों को, अपनी परिस्थितियों को एक साइड लगाना होगा, और खुद पे काम करना होगा। जब तक हम खुद आके मैदान में नहीं खड़े होंगे, खुद काम नहीं करेंगे, खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी इनकम को नहीं बढ़ाएंगे, अपने लेवल को नहीं बढ़ाएंगे, कोई भी असफल इंसान को फॉलो नहीं करता। तो हमारी टीम भी यहाँ पे वही काम करती है, जब तक हमारी लीडरशिप निकल के नहीं आएगी, हमारी टीम हमें फॉलो नहीं करेगी। तो आज तक जो चल रहा था ठीक है, लेकिन आज से हमें यही, हर एक नया दिन हमारी जिंदगी में शुभ दिन होता है, तो हर एक दिन हम अपने नए लक्ष्य को ले सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं एक नई चीज को। और उसके लिए मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ एमजीआरडी मंच को, जहां से निस्वार्थ भावना से, निस्वार्थ भावना और निःशुल्क, ये चीजें साथियों छोटी नहीं होती। जितनी मेहनत ये लीडर्स कर रहे हैं हम सबको ग्रो कराने के लिए, हम सबको आगे बढ़ाने के लिए, हम सबके घर में खुशियां लाने के लिए,
ये कोई कम चीज नहीं है। हम करके देखें तो पता लगता है कि किस तरीके से इतने बड़े मंच को चलाया जाता है और कैसे यहाँ पे आने वाले हर एक लीडर को, हर एक मातृ शक्ति को आगे बढ़ाने का, प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है। समाज में हम जहाँ भी जाएं सिर्फ हमें अपने टांग खींचने वाले मिलेंगे, लेकिन इस मंच पे और इस प्लेटफॉर्म पे हमें आगे बढ़ाने के लिए तैयार खड़े हैं, बस बशर्ते हमें अपना हाथ उनके हाथों में पकड़ाना है और उनके कदमों पे अपना कदम रख के आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय ज्यादा ले लिया मैंने साथ थोड़ा सा, और बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। ग्रेट सलूट एमजीआरडी मंच को, ग्रेट सलूट आप सभी लीडर्स को, और इसी के साथ जय प्रलवाइन, जय पीवीसी मेटा, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भीषम सर, थैंक यू सो मच सभी लीडर्स का। आपने अपनी बात, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा सा पीछे चले कोरोना से पहले, तो इसी शिक्षा को, इसी टीचिंग को हम बहुत पैसे दे करके लिया लेते थे। हम सभी लोग सेमिनार्स में, मीटिंग्स में जा करके पैसा खर्च करते थे, किराया खर्च करते थे उस सेमिनार की जगह पे जाने के लिए, ऑडिटोरियम्स में जाने के लिए पैसा खर्च करते थे, अपना टाइम खर्च करते थे, घर पे नहीं होते थे, एक से डेढ़ घंटा, किसी को दो घंटा लगता था, मैं अपनी बात बताऊं तो बहुत टाइम लगता था। और यदि आप चाहते हैं, जितने भी लीडर्स हैं और जो अभी बाहर नहीं निकलना चाहते, और यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा रखा जाए, तो हम रख सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि फ्री में कोई चीज समझ नहीं आती, तो सुभाष सर और शंभू सर हम लोग इस बात पे भी गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर भी हम लोग 100-200 रुपए की टिकट रख सकते हैं। जस्ट जोकिंग, किडिंग। थैंक यू संतरा मैम, थैंक यू सो मच। और मैं अब यहाँ पे अगली नारी शक्ति को बुलाना चाहूंगा, और इनके बाद सर वीरेंद्र सिंह जी को एक बार को-होस्ट बना दीजिए उनका, मधु जी के बाद अब मैं इन्वाइट करूंगा मधु मैम को, प्लीज आए, वो भी अपनी शेयरिंग रखें, और वीरेंद्र सिंह जी को आप एक बार को-होस्ट बना दीजिए। मोस्ट वेलकम मधु जी, मोस्ट वेलकम मधु मैम, वेलकम मैम। थैंक यू सर, धन्यवाद करना चाहूंगी जो इतना बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब मंच बनाया हुआ है जिसमें सभी सीखने और सिखाने का मुद्दा चलता है यहाँ पर। तो मैं सभी लीडर्स से बहुत कुछ सीख रही हूँ, क्योंकि मैं पीवीसी मेटा क्या, मैं क्रिप्टो करेंसी का कोई एबीसीडी भी नहीं जानती थी, और आज लोगों को जा जाके बोलती हूँ, उनको करवाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और खास करके ग्रेट अपने अपलाइन शंभू शर्मा सर को, जो समय रहते हुए मुझे गाइड किया और मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया, तो थैंक यू सर। और आज की शेयरिंग बिना गोल, सर ने बताया कि गोल सेटिंग तो बहुत जरूरी है, बिना गोल सेटिंग के हम कहीं भी ना, अगर आपको जाना है कहीं तो पहले ये डिसाइड करोगे अब जाना कहाँ है, यही सेट नहीं है कि जाना कहाँ है तो हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, ट्रेन में बैठ गए तो क्या रास्ते में थोड़ी उतर सकते हैं, तो गोल सेटिंग बहुत जरूरी है कि हमें कहाँ पहुंचना है। तो सर ने बहुत अच्छा बताया कि अपना गोल सेट करो, कि छोटे छोटे गोल सेटिंग करो, कि पहले 5 डायरेक्ट करना है, फिर 10 डायरेक्ट करना है, फिर 15 डायरेक्ट कर, फिर 20 डायरेक्ट करना, तो धीरे धीरे अगर आप काम करोगे तो 100% हो जाएगा। तो और संतरा मैम का तो कहना ही क्या है, तो थैंक यू मैम, और हम तो है ही हरियाणा के, तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करना चाहूंगी। थैंक यू सर, वीरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी आए और अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम सर, वेलकम वीरेंद्र सिंह, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, ग्रेट वेलकम, थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट एंड ऑल फाउंडर्स लीडर्स और सभी जितने भी बने हुए हैं यहाँ पर भविष्य के अरबपतियों को, मेरा कोटि कोटि, और इस मंच को तो जितनी बार प्रणाम करूं उतना कम है। सर मेरी ऑडियो ठीक आ रही है? थोड़ा नेटवर्क में रहे सर, थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब आपका,
हाँ, मेरे को थोड़ा सा महसूस हुआ कम। जी सर। ओके ओके, आप देखिए सर। जी अब क्लियर है। हाँ, कंटिन्यू सर। थैंक यू थैंक यू। ऐसा जो ज्ञान रूपी सरस्वती मंच जो है सुबह सुबह हमें इतनी चीजें सिखाता है, और रियल में ऐसे नेताओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ जो इस तरीके के मंच चलाए हुए हैं और जो सुबह से शाम तक मंच चलते रहते हैं। बट जब तक हम सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। और इस तरीके की एजुकेशन से बहुत सारे लोग अभी भी टच नहीं है, जिन्होंने पर्लवाइन को स्टार्ट कर लिया था बट आज तक भी उनको ये नहीं पता पर्लवाइन कितनी बड़ी चीज है। और यहाँ से लोगों ने बहुत बहुत बड़ी इनकम बना चुके हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल में अपने अंकित उपाध्याय सर जो है वास्तव में एक बड़े नेता के रूप में उभर के आने वाले हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनने वाले हैं। सागर सुमन जी और जितने भी फाउंडर लीडर जिनको विजन मिल चुका है कि रियली पर्लवाइन बहुत बड़ी चीज है और हमें हर घर के अंदर दीपक जलाना है, और ये दीपक जलाने का काम हमें करना है, अपने आप को प्रूव करके हमें दिखाना है लोगों को, क्योंकि हमें अपने आप को प्रूव नहीं किया और कहीं हम भी चाय और राय के चक्कर में पड़ गए। बहुत सारे लोग हैं जो चाय और राय के चक्कर में पड़ जाते हैं और एक गरीबपुर से चल के ट्रेन अमीरपुर की तरफ जा रही है, बहुत सारे लोग इसमें बैठ तो लिए हैं बट रास्ते के अंदर रायपुर और होशियारपुर जैसे स्टेशन आए और वो उतर गए और आज वो कहीं के भी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े लेवल पर रूबी लेवल तक के लोग भी यहाँ से अस्त व्यस्त हो गए हैं क्योंकि उनके सपने चुरा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा वाई इम्पोर्टेंट है, हमारा वाई स्ट्रोंग होना चाहिए। अगर आपका वाई स्ट्रोंग है तो आप बहुत बड़ी चीजें प्राप्त करेंगे और आने वाले समय में कंपनी का कथन सत्य होने वाला है कि आप पर डे हजारों नहीं, आप लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए भी बना सकते हैं। क्योंकि पीवीसी मेहता पर्लवाइन का बेटा इतना जबरदस्त सिस्टम है, इससे बड़ा कोई सिस्टम इस अर्थ पर नहीं है। बिटकॉइन भी कुछ भी नहीं है इसके सामने। आने वाले समय में जिन लोगों ने धैर्य कर लिया वो इसकी ग्रोथ के हिस्सा बन चुके हैं और बनने वाले हैं, और बहुत बड़े एग्जाम्पल बनेंगे जो कभी कल्पना नहीं कर सकते। इतना पैसा देगी पर्लवाइन, और बहुत सारे लोगों ने कोरोना काल में यहाँ से पर्लवाइन से पैसा कमाया और दूसरी कंपनियों में गवाया है, और रियली गवा चुके हैं और सब कुछ गवा चुके हैं। आज आईडी बदल बदल के मीटिंग को अटेंड करते हैं और एजुकेशन लेते हैं, एमजीआरडी ग्रुप पर आते हैं, कभी उड़ान ग्रुप पर जाते हैं, कभी किसी ग्रुप पर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सपने चुरा लिए। और बहुत सारी कंपनी इस तरीके की आ रही है जिनका कोई अता पता ठिकाना नहीं है, कुछ दिन में लॉक लगने वाला है उनको, क्योंकि ये वो लीगल सिस्टम नहीं होती, ये पूरा लीगल बेस्ड सिस्टम है। क्योंकि क्राउड फंडिंग सिस्टम जो है ना, एक दूसरे को डोनेशन करने का सिस्टम है, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने का सिस्टम है। रियली थैंक्स टू डॉक्टर डैनियल जॉनसन जिन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया, और जिनकी सोच को सलूट करना पड़ेगा। जहां पर हम आम आदमी की सोच जहां खत्म होती है, वहां पर डॉक्टर डैनियल की सोच स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स, तो मैं सभी को कहूंगा मीटिंग्स में आए, ट्रेनिंग्स में आए, इनको कभी मिस ना करें, क्योंकि वास्तव में बिल्कुल फ्री अपॉर्चुनिटी है और रोजाना पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है, और यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलप करने से ही आदमी आगे बढ़ता है, उसको विजन मिलता है। अगर हम अभी कहीं भी डिस्टेंस पे जाते हैं नाइट में, तो हमारी गाड़ी की जो लाइट है ना, वो पूरा उस डिस्टेंस तक नहीं दिखाएगी। एग्जाम्पल, हमने 500 किलोमीटर जाना है बट हमारी गाड़ी की लाइट जितना भी मीटर दिखाती है 200-300 मीटर दिखाती है। तो हमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते भी आगे नजर आने लगते हैं, और हम उसी रोशनी उसी प्रकाश के साथ हम उस डेस्टिनेशन को पार कर लेते हैं बिकॉज ऑफ पावर ऑफ सिस्टम। तो जो आदमी सिस्टम का पार्ट बनेगा, जो व्यक्ति ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करेगा, रियली वो बहुत बहुत बड़े कारनामे करने वाला है, बहुत बड़े सपनों को पूरा करने वाला है। महंगाई एक्सपेंस इतना तेज बढ़ रही है कि आज लोगों अपनी कंप्रोमाइज की जिंदगी से निकल ही नहीं पाएंगे, जो रैट रेस की जो जिंदगी उससे निकल नहीं पाता इंसान। तो तभी तो आप देखिए 58 से 60 साल के बाद जब भी आदमी रिटायर होता है तो दूसरी जॉब क्यों ढूंढ रहा होता है? वाई लैक ऑफ मनी, क्योंकि पैसे का बहुत अभाव है। और यहाँ पर अगर बात करें पैसे की, तो यहाँ भरपूर पैसा है, भरपूर समय आपके पास होगा, और भगवान तो ऊपर वाला तो हमें 1440 मिनट डेली डालता है हमारी झोली में, बट ये डिपेंड करता है हम कहाँ बिताते हैं। बहुत सारे लोग ये चाय और राय फ्री में मिलती है, बहुत सारे नुक्कड़ पर आपने देखा है, बहुत सारे लोग टाइम पास करते हैं, जो लोग टाइम पास करते हैं उनके लिए दिन बहुत बड़ा होता है। बट हमेशा व्यस्त रहो, मस्त रहो, बिंदास
जिंदगी आने वाली है, बहुत बड़ी जिंदगी इंतजार करिए। कोई सफलता ऐसी चीज नहीं है कि आकर गले में हाथ डाल देगी, ये लो जी मैं आ गई। सफलता के लिए तो हमें प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट फेलियर तो हम होते हैं। रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि तोड़े नहीं, और लोग रूल्स को जहां भी रूल्स ब्रेक किया, जहां भी कोर लीडर के कुछ रूल होते हैं उसको ब्रेक किया और गया बिजनेस। बहुत सारे लोग अकाउंटेबल नहीं होते, बहुत सारे लोगों का लेन देन में झगड़ा होता है, और वही घूम फिर के बात आती है 99% जो झगड़े होते हैं वो सारा पैसों के ऊपर होते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास मिल चुकी है। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, माइसल वीरेंद्र सिंह गुड़गांव फ्रॉम हरियाणा, और थैंक्स करता हूँ मेरे जो डायरेक्ट स्पॉन्सर और उनके स्पॉन्सर को जिन्होंने मेरे को अपनी लिस्ट में रखा और बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे प्रदान की। और आज मैं जितना थैंक्स करूं परलवाइन इंटरनेशनल का और ऐसे दिग्गज नेताओं का जो सीखने सिखाने का जो मंच हमें देते हैं रोजाना, और वास्तव में मैं सलूट करूं उतना कम है। और एक द सीक्रेट को जरूर लोड करिए। मैं फिर कहूंगा बार बार, जिन लोगों के पास फिजिकल बुक नहीं है तो आप डाउनलोड कर ले उसको, ताकि आप ऑफलाइन भी उसको सुन सके। द सीक्रेट के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिखाया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्ट के ऊपर ही हमारी जिंदगी है। हम क्या अट्रैक्ट करते हैं, हम अमीरी को अट्रैक्ट करते हैं या गरीबी को अट्रैक्ट करते हैं? जो व्यक्ति हमेशा गरीबी को अट्रैक्ट करते हैं वो गरीबी बने रहेंगे। और देखिए, जो लोग वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ जाएंगे वो जिंदगी में बहुत महान बनेंगे। तो जय पीवीसी मेटा, जय परलवाइन। परलवाइन विल नेवर एंड, नेवर एंड सिस्टम है दोस्तों। जब हमारे आज तक हमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और Amazon और Flipkart को हम जानते तक नहीं थे, जब वो सिस्टम खत्म नहीं हो सकते तो परलवाइन कैसे खत्म हो जाएगा? परलवाइन तो कुछ भी रखता भी नहीं है, परलवाइन तो इतना रिच है, डेट फ्री कंपनी है, मतलब किसी प्रकार का कर्जा नहीं है, और लोगों को वास्तव में अमीर बनाने का बीड़ा उठाया है। अगर देखिए, आज ये मायने नहीं रखता हम कहाँ पर है, बट हमें जाना कहाँ है, हमारा डायरेक्शन क्या है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो बहुत सारे लोग इस परलवाइन के अंदर आ तो गए हैं, बट उन्हें हमें जाकर के जगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मीटिंग ट्रेनिंग से आउट भी करते हैं, लेफ्ट भी करते हैं। मैं रोजाना कितने लोगों को ऐड करता हूं, कई कई लोगों को मैं चार चार बार भी ऐड कर चुका हूं, बट वास्तव में बस ये कहते हैं कि ये गौर की अपॉर्चुनिटी है। जब कहते हैं ना, भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना, तो वहां पर जब भलाई का जब शब्द आता है तो वहां लाभ है, उल्टा उसका उल्टा करते तो हमें लाभ मिलेगा। तो हमें वास्तव में इस दीपक को जलाते जाना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू भीष्म।